हमारे सामने, हमारा जो भविष्य, हमारे देश का भविष्य जो सामने है 2024 के इलेक्शन के रूप में, बहुत ही निर्णायक रहेगा कि किस तरह का देश हमारा होगा, क्या हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या हम डेमोक्रेसी बचाने की कुछ भी हमारे पास उम्मीद रहेगी कि नहीं रहेगी। साथियों, मैं 65 साल की हो गई हूं और इस देश ने और इस देश की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी पढ़ाई काफी हद तक पब्लिक फंडेड एजुकेशन से हुई, मेरा पूरा कॉलेज का एजुकेशन पब्लिक फंडेड एजुकेशन सरकारी फंड से हुआ है और सरकार का जो फंड है वो 60% से ज्यादा जो रेवेन्यू होता है वो देश की गरीब जनता से आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में। और उसके बाद भी मुझे नौकरी मिली पब्लिक फंडेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहां मेरी तनख्वाह भी सरकार से आती है। इतने सालों में मैंने जो कुछ भी पाया है, देश की जनता जिसकी ट्रस्टी सरकार होती है और सरकार को देश की जनता के लिए ही काम करना होता है, उसके थ्रू मुझे मिला। मुझे ये भी मालूम है कि मैं बहुत प्रिविलेज जगह से थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी जो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते थे, उनको ये शिक्षा सिर्फ इस वजह से मिली। और आज के जित काफी जो देश के लीडर्स हैं, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, वो सरकारी स्कूलों से और लगभग सभी सरकारी शिक्षा से के बाद इस ओहदे पे पहुंच चुके। लेकिन दुख की बात यह है कि यहां पहुंचने के बाद बहुत कुछ मतलब बदल जाता है, जो जिसको एम्पावरमेंट हो जाती है वो सोचता है कि बाकियों को क्या जरूरत है। और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में, मैं नहीं कह रही हूं कि पहले भी ट्रेंड नहीं था प्राइवेटाइजेशन का, जो दबाव है पूरी दुनिया में जो चल रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, और कई सरकारों को ये प्राइवेट ये कॉरपोरेशन जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन चलाते हैं, पहले हमको ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, फिर उसके बाद बाहर से कोशिश की IMF से लोन के रूप में हम लोगों को कंडीशंस हमारे ऊपर लगाए जाते थे, वर्ल्ड बैंक से लगाए जाते थे और फिर WTO से लगाए जाते थे, हमें कुछ ट्रीटी साइन करनी पड़ती थी, इस हमारे ऊपर ये दबाव रहता था। और दुख की बात है कि कई सरकारों ने ये गलतियां की, इस तरह की ट्रीटी साइन की कि हम शिक्षा को कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस के दायरे में डाल देंगे। तो इसकी वजह से जो सब्सिडी हमारी जो वादा था, कई एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें वादा था कि कम से कम 6% हमें GDP का मिलना चाहिए शिक्षा के लिए, वो कभी भी नहीं मिला। और बल्कि अब तो उसको घटा के और भी कम कर दिया गया है। और अभी हाल में जो बजट आया है उसमें आप देखेंगे कि UGC जैसी संस्था जो हमारा ग्रांट देती है उसमें 60% कटौती की गई है। तो इरादा क्या है? वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन का ढांचा है, फीस बढ़ोतरी का ढांचा है और टीचर को बाहर निकालने का पूरा उसमें जो प्रोग्राम है कि बिना टीचर के ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे। ये पूरा देश का दोबारा जो कॉलोनाइजेशन है, गुलामी है, ये दोबारा से आ रही है। और जो ताकतें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करती थी और कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वही ताकतें आज के दिन उन्हीं ताकतों के जो विश्व की ताकतें हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं की गुलामी कर रही हैं। और देश में हमारी सारी पूंजी बेची जा रही है, चाहे वो जंगल हो, चाहे हमारे जो जमीन है, नदियां हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेची जा रही है। और इसके लिए इनको जनता के आंदोलनों को कुचलना पड़ता है और डिसेंट खत्म करना पड़ता है। तो चाहे वो छात्र हो या अल्पसंख्यक हो या महिलाएं हो, कोई भी किसान, आप देख रहे हैं कि सारे आंदोलनों को खत्म करके ये कुछ पूंजीवादी ताकतों के हाथों में देश की पूरी पूंजी देना चाह रहे हैं। अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया था, जो जजमेंट आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके, बहुत लेट आया है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा इन्होंने हफ्ते की तरह लूटा है। कम से कम 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनको, जो इनको पहले चंदा नहीं देती थी, उनको रेड किए गए
उनके ऊपर रेड ईडी वगैरह इस्तेमाल की गई, तब इन्होंने इनको 300 करोड़ कम से कम इन्होंने वहां से वसूल किया। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूंजी जमा की है और उस पैसे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। एमएलए को अभी हाल में खरीदा है, कितने सारे एमएलए को खरीद के राज्यसभा में अपने बीजेपी के लोगों को जितवाया। तो क्या एंटी डिफेक्शन का लॉ रह गया है? कुछ उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। आप किसी भी टिकट, पार्टी के टिकट से आप लड़िए, आप जीतने के बाद आपको या तो ईडी के दम पे या पीएमएलए के दम पे या कोई इतना कितने 100 करोड़ के दम पे आपको खरीद लिया जाता है। और इस तरह से पूरा हमारी डेमोक्रेसी का कोई मायने ही नहीं रह गया है। आज के दिन छात्रों के हाथ में ही हमारे देश का भविष्य है। और देशों में जहां जहां पे ये प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई, सरकारी शिक्षा खत्म करके प्राइवेट शिक्षा लाने की कोशिश की गई जो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब कौन सामने आया था? छात्र सामने आए थे। छात्र आंदोलन की वजह से यूरोप के तमाम देशों में ये जो कोशिशें थी ये काफी हद तक नाकाम की गई। हम शिक्षक तो साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। अभी मैं नीरज को सुन रही थी और भी हमारे साथी उनको सुन रही थी। आप हमारे लीडर हैं, हम लोगों ने अपनी जिंदगी काट दी आंदोलन में करते करते कि देश में बेहतर शिक्षा नीति हो, बेहतर मतलब एक्सेस हो लोगों को जीरो दाम में, मतलब क्यों कोई फीस देने की कोशिश की नौबत आए। हमारे यहाँ जब रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो फीस लेने का कोई मतलब नहीं है। फ्री शिक्षा होनी चाहिए, दोहरी शिक्षा नीति नहीं होनी चाहिए। हमने जिंदगी भर आंदोलन किया है और अब आपकी बारी, हम आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। छात्र आंदोलन ही आगे अगुवाई करेगा इस आंदोलन की। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम लाल, सलाम।